जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर अल्लाह हू अकबर। जय इज़राइल अगर बोल देता तो आज क्या तुम संसद में बैठते थे? भीम, जय भीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर सोहदीन अवैसी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज हलफ ले रहे थे, शपथ ले रहे थे। इसी दौरान इन्होंने जय फलस्तीन कह दिया, जिसके बाद में पार्लियामेंट हिलकर रह गई। बीजेपी के ऑफिशियल पेजेस से लेकर आरएसएस के लोग, संघ परिवार के लोग, तमाम लोग बैरिस्टर सोहदीन अवैसी को ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर निशाना बना रहे इनके वीडियो को लेकर। और तो और बीजेपी के एमएलए राजा सिंह ने भी बैरिस्टर सोहदीन अवैसी के खिलाफ एक वीडियो रिलीज कर दिया है। क्या कहना है राजा सिंह का वो भी आपको सुनाएंगे। ऐसा लग रहा है कि जय फलस्तीन कहने पर काफी सारे लोगों को मिर्ची लगी है। वहीं दूसरी जानी जब बैरिस्टर सोहदीन अवैसी हल्फ लेने के लिए जा रहे थे, दूसरे लोग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वहां पर बैठे हुए थे, वो लोग नारे लगा रहे थे, रिलीजियस नारे लगा रहे थे। यहां पर आप सुन सकते हैं। सोहदीन अवैसी, नहमदुहु व नुसल्लि अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असदुद्दीन अवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर, जो क़ानून के मुजब तय पाया है, एतिक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इख्तदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर अल्लाह अकबर। ओवैसी ने आज संसद में शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया और शपथ ली। शपथ तक ठीक था, लेकिन लास्ट में ओवैसी ने कहा जय भीम, जय मीम और जय फिलिस्तीन। तो मैं ओवैसी को कहना चाहूंगा, भारत माता की जय बोलने में तुझे क्यों शर्माती है भाई? जिस देश में खाता है, जिस देश में पीता है, भारत देश में राजनीति भी करता है और भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है? और सांसद में शपथ किस प्रकार से ली जाती है? तुम तो नए नहीं हो और बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। आज अगर कोई जय इज़राइल अगर बोल देता तो आज क्या तुम संसद में बैठते थे? तुरंत संसद के बाहर आकर हंगामा शुरू कर देते थे कि ये फिलिस्तीन के विद्रोही है ये लोग और इसराइल के समर्थक है, बोल के इस प्रकार का तुम पुकारना शुरू कर देते थे। तो इसी साहब को कहना चाहूंगा कि ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही फिलिस्तीन से प्यार है तो क्यों फिलिस्तीन में आप जाकर उनके लोगों के सपोर्ट में क्यों वहां खड़े नहीं हो रहे भाई? जो आज फिलिस्तीन के कई ऐसे लोग हैं जो बंदूक उठाकर अपने आप की रक्षा कर रहे हैं, तो वैसे तुम भी चले जाओ ना फिलिस्तीन, बंदूक उठा लो दम अगर है तो। भारत देश में रहकर सिर्फ मीडिया में हेडलाइन बनना, ये कोई भी बन सकता है हेडलाइन, लेकिन अगर सच्चे तुम एक मुसलमान हो और तुम्हें फलिस्तीन से अगर इतना ही प्यार है तो चले जाओ फलिस्तीन। हाँ, मैं आज पूछना चाहता हूं ओवैसी को, लेकिन इस तरह से जो आप जो बता रहे हो, ठीक है जय भीम हम भी बोलते हैं, जय भीम वो तुम्हारा स्लोगन है, लेकिन फलिस्तीन की जय, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। तो ओवैसी साहब को मैं सजेशन देता हूं कि एक बार चले जाओ फलिस्तीन, पता चल जाएगा कि फलिस्तीन में तुम्हारे जैसे लोगों की क्या औकात है। इंडिया अलायंस से भी एक बड़ी तादाद में मुस्लिम कैंडिडेट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आए हैं अब की बार पार्लियामेंट के अंदर। मैं इकरा चौधरी, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद, जय संविधान। मैं पठान यूसुफ खान, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, पूर्वक निर्वहन करूँगा। जय हिंद, जय बांग्ला, जय गुजरात।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान मसूद, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, जय हिंद जय भीम। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जय फलस्तीन कह दिया। इससे मुतालिक अभी लोगों ने हंगामा मचाकर रखा है सोशल मीडिया के ऊपर। आप लोग क्या राय, इससे मुतालिक कमेंट जरूर करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में नखा दूंगी। अल्लाह हाफिज़।